पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ पर सिद्ध शक्तिपीठ की स्थापना हुई। देवी पुराण के मुताबिक देवी माता सती का कर्ण भाग हरदोई के इसी स्थान पर गिरा था, जो माता श्रवण देवी के नाम से विख्यात है। माता श्रवण देवी की मूर्ति पाषाण पंखमुखी है। इस मूर्ति का निर्माण किसी भी कारीगर के द्वारा नहीं किया गया। वैष्णो माता के दरबार के बाद यह दूसरी पंचमुखी पाषाण मूर्ति है। माता के दर्शन और पूजा अर्चना करने से पंच सुखों की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में माता श्रवण देवी मंदिर की स्थापना 1864 से पूर्व की बताई जाती है। इस मंदिर का निर्माण बाबा उमानाथ ने कराया, जबकि इस मंदिर का जीर्णोद्धार समलिया प्रसाद सेठ ने कराया। ये कौन सा मंदिर है और क्या इतिहास है? जी, हरदोई जनपद का श्रवण देवी शक्ति मंदिर, भगवती का नाम श्रवण देवी सती जी का यहाँ गान गिरा है। श्री देवी भागवत पुराण में इनका 529वां नाम उल्लेख हुआ है। हरदोई शहर भगवान का 2 बार अवतार उनको हुआ, इसलिए इसका नाम हरदोई पड़ा है। नरसिंह रूप में और बामा रूप में अत्याचार से जनता त्रसित होने पर, देवता त्रसित होने पर भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा, जिसमें दैत्यों का संहार हुआ और समस्त जनमानस का कल्याण। आज भगवती का 5वां पूजन है इस स्कंद माता का, जो सौर मंडल में विराजमान है। सुख समृद्धि का ये प्रतीक, 9 दिन का व्रत मनुष्य के जीवन को बड़े से बड़े फल देने वाला है। जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार श्रद्धा और भक्ति से माँ का स्मरण करता है, माता उसके समस्त पाप नष्ट करके उसके जीवन में एक नई ज्योति प्रदान करती है। ये नहीं कुछ भी है तो तुम्हारे पास मन है, फूल नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है फूल की, तुम्हारे अंदर अभिलाषा तो है। अगर हमारे पास पुष्प होते तो माँ को चढ़ा देते। माँ तो भाव की भूखी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से घट होती हम जाना। वेद व्यास जी ने कहा कि माँ जो है हर मनुष्य के शरीर के अंदर अंतर आत्मा में बैठी है। जैसे आचरण मनुष्य करता है और उसी को वो भोगता है। सुकर्म करने से मनुष्य को इच्छित फलों की प्राप्ति होती है और अच्छे कर्म ना करने पर उसकी दुर्गति होती है, क्योंकि लीडर ऑफ तो अंदर बैठी है, क्योंकि निर्णय करने वाली आदि शक्ति है मनुष्य के अंदर। बोलना, देखना, सुनना ये एक शक्ति का कारण है। यही एक शक्ति है महामाया है। महामाई दिखाई नहीं पड़ती, मनुष्य को अनुभव होता है कि ये महान शक्ति है। हवा चल रही है, धूप है, सर्दी है, इसका अनुभव होता है, दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे माता की शक्ति, माता की कृपा दिखाई नहीं पड़ती, जैसे दूध में घी विद्यमान है और दिखाई नहीं पड़ता। परिश्रम करने से, मथने से उसमें घी निकलता है। ऐसे भक्ति भाव से जब माता के बिल्कुल समक्ष अब दंडवत हो जाएंगे तो माता की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। जय माता दी।